मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मथुरा में पुलिस और उद्यान विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें थानेदार संतोष यादव और एसपी मुकुल द्विवेदी की मौत हो गई, जबकि 40 से 50 पुलिस वाले जख्मी बताए गए। वहीं 12 कथित सत्याग्रहियों की भी मौत हो गई है। 280 एकड़ में फैले जवाहर बाग एक गैर सरकारी संगठन के लोगों ने सत्याग्रह के नाम पर कब्जा जमा रखा था। हाईकोर्ट ने जवाहर बाग को खाली कराने के आदेश दिए थे, लेकिन जमीन खाली कराने गई पुलिस पर बाग में कब्जा जमाए लोगों की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। करीब 5 घंटे तक बाग के अंदर से पुलिस पर गोलीबारी होती रही और रात करीब 10 बजे पुलिस ने बाग पर कब्जा किया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने बताया कि संगठन के मुखिया रामवृक्ष यादव को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने जवाहर बाग से भारी मात्रा में कारतूस, असलहा और बारूद बरामद भी किए हैं। साथ ही इस पूरी घटना की जांच कमिश्नर को सौंप भी दी गई है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एसओ संतोष यादव के शहीद होने पर शोक जताया और परिवार को मुआवजा के तौर पर 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अतिक्रमण हटाने गई उत्तर प्रदेश की पुलिस को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सत्याग्रहियों के नाम पर 280 एकड़ जमीन पर कब्जा किए लोग सुनियोजित तरीके से घंटों पुलिस से मोर्चा लेंगे, गोलियां बरसाएंगे, बम फेंकेंगे, आगजनी करेंगे। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से मथुरा का एक हिस्सा घंटों हिंसा की चपेट में रहा। मथुरा के जवाहर बाग के 280 एकड़ के इलाके से कब्जा हटाने गई पुलिस जिस वक्त बाग में घुसी तो कथित सत्याग्रही दो दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार बैठे थे। पुलिस के बाग में घुसते ही सामने से फायरिंग शुरू हो गई। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 सालों से 280 एकड़ के जवाहर बाग की सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे लोगों ने पुलिस को रोकने के लिए जो तांडव किया उसने उत्तर प्रदेश की पुलिस को हैरान कर दिया। शाम करीब 4:30 बजे कई बड़े अधिकारियों के साथ पुलिस वाले भारी संख्या में जवाहर बाग पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जवाहर बाग की बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा हटाने, लेकिन बाग के अंदर घुसते ही उनके ऊपर देसी बमों और हथगोलों से हमला कर दिया गया। पुलिस की टीम के ऊपर सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। पुलिस बाग के चारों तरफ फैल गई, लेकिन हमले से बचाव करना मुश्किल हो रहा था। अंदर जब हम लोग थे तो वहाँ पे काफ़ी ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, तो आईडीज होने की पूरी संभावना है, तो एंटी माइन टीम हमारी आ रही है, वो पूरा चेक करेगी, उसके बाद ही इसमें आगे सर्च ऑपरेशन जारी हो चलेगा। सुना आपने मथुरा के डीएम क्या कह रहे हैं? सालों से जवाहर बाग पर कब्जा जमाए बैठे कथित सत्याग्रहियों ने किस तरह से पुलिस से मोर्चा लेने की तैयारी कर रखी थी? देसी बम हथगोले तो पुलिस वालों के लिए मुसीबत बने ही हुए थे। डीएम साहब तो आईडी के इस्तेमाल की भी आशंका जता रहे हैं। कब्जा करने वालों ने जवाहर बाग के कई हिस्सों को आग के हवाले भी कर दिया। आग की ऊंची उठती लपटों के बीच वो लगातार पुलिस पर गोलियां और बम बरसाते रहे। हमले में एसओ संतोष यादव और एसपी मुकुल द्विवेदी को गोली लग गई। गोली लगने के कुछ देर बाद ही खबर आई कि एसओ संतोष यादव शहीद हो गए हैं। उधर एसपी मुकुल द्विवेदी की हालत भी अच्छी नहीं थी, उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। उम्मीद थी कि उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका और एसपी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हो गए। उन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरे, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट्स जख्मी हुए, और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। और जो लोग जो उग्र हुए थे और जिन्होंने फायर किया था और आगजनी की थी, उन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। 200 लोग हैं, 200 से अधिक लोग हैं, अब उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा आक्रमण किया गया, उनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। शाम 4:30 बजे से जवाहर बाग में घुसी पुलिस रात करीब 9:30 बजे तक कब्जा जमाए लोगों को काबू करने के लिए जद्दोजहद करती रही। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस के करीब 40 से 50 जवान घायल हुए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया।
पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन जवाहर बाग के अंदर उपद्रवियों की खोजबीन जारी है। दरअसल कब्जे की ये कहानी शुरू हुई करीब 2 साल पहले। स्वाधीन भारत विविध सत्याग्रह नाम के संगठन से जुड़े लोग सत्याग्रह के नाम पर जवाहर बाग में घुसे और धीरे धीरे 280 एकड़ की इस बेशकीमती जमीन पर बने बाग, सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के आवास पर कब्जा कर लिया और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जवाहर बाग से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की और अंजाम ये हुआ कि कब्जा तो करीब करीब हट गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जाबाजों की शहादत के बाद। इस पूरे खूनी संघर्ष में पुलिस की लापरवाही एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि 2 साल से ये लोग यहाँ मौजूद थे और उनके पास भारी असला मौजूद था, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसी इसका पता लगा पाने में नाकाम रही और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 2 पुलिस अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राहुल मल्होत्रा के साथ जावेद अख्तर, मथुरा, IBN 7। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मथुरा में अतिक्रमण की आग लगी कैसे। शाम 4:30 पर शुरू हुआ जवाहर बाग में ऑपरेशन। जेल की तरफ से लगी बाउंड्री के पास अधिकारी गए। करीब 4:45 पर कब्जाधारियों की तरफ से फायरिंग भी शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे लोगों ने शुरू की थी ये पहले फायरिंग। शाम 5 बजे का वक्त था जब बाग के अंदर कब्जाधारियों ने आग लगा दी। शाम 5:30 के करीब SO और SP को गोली लगी और गोली लगते ही अधिकारियों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब शाम 7 बजे SO संतोष यादव के शहीद होने की खबर आई। 10 बजे जवाहर बाग में ऑपरेशन खत्म हो गया, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। रात करीब 11 बजे SP मुकुल द्विवेदी भी शहीद हो गए। मथुरा में भीड़ के हमले में SP मुकुल द्विवेदी की शहादत के बाद पूरे मथुरा में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि SP मुकुल को उनके अच्छे व्यवहार की वजह से पूरे मथुरा के लोग पसंद किया करते थे। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रात भर अस्पताल में पुलिसकर्मियों की भीड़ अपने SP को आखिरी सलामी देने के लिए जमी रही। यही नहीं, शहर में जिसने भी SP की शहादत की खबर सुनी अस्पताल की ओर चल पड़ा। मैं इनके साथ बुलंदशहर में भी रहा हूँ, मेरे SP सिटी रहे हैं, उनका व्यवहार हमेशा बड़ा ही मृदुभाषी रहे हैं और हर परिस्थिति को सामना करना उनको आता था और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सारे जनपद में दुखी दुख का वातावरण दिखाई दे रहा है। उनका देहांत हो गया, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हम लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे पीछे। पुलिस विभाग का एक बड़ा हीरा चला गया है। ये केवल पुलिस विभाग की क्षति नहीं है, पूरे समाज की क्षति है। और मेरे बड़े विभिन्न अनंत मित्रों में थे, बड़े अजीज थे, मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। तो कैसा रहा रात में मुठभेड़ के बाद जवाहर बाग के बाहर का हाल, बता रहे हमारे संवाददाता जावेद अख्तर। 250 एकड़ का ये पूरा इलाका है, वो लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। कुछ संख्या में वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे स्टार्ट में, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग मथुरा के बाहर के लोग थे, उनके साथ बच्चे और औरतें भी शामिल थी। इस जमीन से वो कब्जा हटाने को राजी नहीं थे, लगातार कोशिशें की जा रही थी, पुलिस भी लगातार उनसे अपील कर रही थी ये जगह छोड़ने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया पिछले महीने मई में, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ से हटने को राजी नहीं हुए। जिसके बाद गुरुवार को पुलिस बल यहाँ पर एक बार फिर से पहुंचा। उन्होंने फिर से अपील की उनसे बाहर निकलने के लिए, यहाँ से कब्जा हटाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। उल्टा उन्होंने पुलिस पर अटैक कर दिया और इस पूरे विवाद में SP सिटी मथुरा मुकुल द्विवेदी, उनको चोट आई, उनको गोली लगी और उनके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद करीब 3 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे में एक SO संतोष यादव की भी मौत हो गई, उनको बुरी तरीके से गोलियां लगी हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी, उनकी मौत हो गई है। करीब 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे जो ये पूरा जो विवाद था, जो टकराव था, जो संघर्ष था, उसमें 12 प्रोटेस्टर्स जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, कथित तौर पर जो स्वयं को सत्याग्रही बता रहे थे, उनके भी 12 लोगों की मौत हुई है, पुलिस का ये दावा है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन पूरा चल रहा है, क्योंकि 250 एकड़ का ये पूरा एरिया है। अभी भी उम्मीद है
कि यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी ऐसा कोई दावा नहीं किया है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि यहाँ से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं और जिस तरीके से अटैक पुलिस पर किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया अटैक नजर आता है। क्योंकि पुलिस आज भी, पुलिस का यह कहना है कि आज भी वो इन लोगों को समझाने पहुंचे थे कि वो ये यहाँ से कब्जा हटा लें, लेकिन अचानक ही उन लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया और इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा जवान घायल हो गए। राहुल मल्होत्रा के साथ जावेद अख्तर, मथुरा, I-BIN 7। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, सोची समझी ये साजिश के तहत हुआ है। ताजा हालात बताने के लिए सीधे मथुरा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद अख्तर। जावेद, हालात इस वक्त कैसे हैं? देखिए अर्पिता, अभी देखा जाए तो यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का और मौत की संख्या की अगर बात की जाए तो 2 पुलिस अफसर की जो मौत रात हमने बताया था वो अभी भी वहीं हैं। जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो ये आंदोलनकारी थे, जो ये कथित तौर पर जो खुद को सत्याग्रही बता रहे थे, उनमें से हमारी CMO से बात हुई तो उनका कहना है कि एक और व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि संख्या 12 थी, अब उनकी संख्या जो है 13 हो गई है। यानी कुल मिला के इस पूरे संघर्ष में अब 13 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये 250 एकड़ का पूरा इलाका है। तो ये भी कहा जा रहा था कि अंदर जो है वो माइंस लगाई गई हैं, पूरा एक उनके पास काफ़ी असला था तो अंदर हम मीडिया को जाने से रोका गया है, लेकिन पुलिस जो है वो अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है और कोशिश की जा रही है कि बाकी लोगों को भी देखा जाए क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हैं। करीब 50 लोग अभी जिला अस्पताल में यहाँ पर भर्ती हैं जो आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे और उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। जावेद, यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, साफ एक क्या अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि पुलिस की एक बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि पुलिस ऐसे मौकों पर तैयार नहीं रहती। क्या पुलिस को पहले से पूरी व्यवस्था करके अंदाजा लगा के नहीं जाना चाहिए? अगर पुलिस शायद इतनी मुस्तैद होती तो ये संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष नहीं बन पाता। बिल्कुल अर्पिता, पुलिस की चूक इसमें एक सबसे बड़ी वजह है, नहीं तो ये इतना बड़ा हादसा ये शक्ल नहीं लेता। क्योंकि ये जो लोग हैं 2 साल से यहाँ पर थे, बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही थी और ये लगातार चेतावनी भी दे रहे थे। अभी भी जब पुलिस कल यहाँ पहुँची तो वो लोग भी खुद, उनका ये इरादा नहीं था कि वो यहाँ पर अटैक करें, ज़बरदस्ती उनसे यहाँ से कब्जा हटाएं, क्योंकि पिछले महीने जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, पुलिस लगातार अपील कर रही थी इन लोगों से यहाँ से कब्जा हटाने के लिए, लेकिन ये लोग मानने को राजी नहीं थे। उसी के क्रम में जो है कल पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँची, SP City यहाँ पर पहुँचे और कम ही फोर्स यहाँ पर थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर अनाउंसमेंट किया बाकायदा और जो ये कब्जाधारी थे, जिन लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, उनसे अपील की कि वो इस जगह को छोड़ दें, लेकिन वो लोग नहीं माने। और बड़ी चूक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास भारी असला था। बताया जा रहा है कि माइंस उन्होंने लगा रखी हैं, उनके पास हथियार थे बहुत ज्यादा और जिस तरीके से पुलिस पर अटैक किया गया, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ज्यादा हथियार वहां पहुंचे कैसे और वो इतने इस चीज के लिए अगर तैयार थे तो हमारी पुलिस इतनी तैयार क्यों नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।